गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक एसएससी एंड रेलवे एग्जाम्स। और गाइस, कैसे हैं आप लोग और पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है आप सबकी? गाइस, आज मैं मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर जो हम टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं उसके एमसीक्यूज लेके आया हूँ। और लास्ट सेशन जो आपने देखा होगा जिसमें हमने यूरोपियों के आगमन के ऊपर जितने क्वेश्चन बन सकते हैं जो पूछे जा चुके हैं उसके ऊपर हमने बात करी थी। आप लोगों ने बहुत अच्छा अटैम्प्ट किया, बहुत बच्चे सही आंसर कर रहे थे, लेकिन जो रेगुलर क्लास में नहीं थे वो नहीं कर पा रहे थे, है ना। तो आप लोग प्रयास करेंगे कि रेगुलर टाइम पे क्लास अटेंड करें। 9:30 हमारा लाइव सेशन रहता है ना। उससे पहले गाइज आपको बता दें कि अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे पिंकी सरोहा मैम जो करंट अफेयर सेक्शन और इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाती हैं, नेहा मलिक मैम हैं ये भी इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाती हैं, इसी तरीके से नीतू ढाका हैं जो जी एस सेगमेंट इसमें पढ़ाती हैं। और आपको बता दें सुनील भदोही सर हैं ये मैथमेटिक्स सेशन पढ़ाते हैं, पवन राव हैं ये भी मैथमेटिक्स, और क्वासी वंसारी सर हैं ये जी एस सेगमेंट इसमें पढ़ाते हैं। और गाइज मैं आपका दोस्त आपका कोच आप लोगों को जीएस के साथ में करंट अफेयर टॉपिक कंप्लीट कराऊंगा इसमें। तो जैसे मैंने आपको बताया हुआ है फिर से रिपीट कर रहा हूँ गाइज कि जीएस के जितने भी टॉपिक हैं चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इंडियन पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स या जनरल साइंस, और उसके साथ में एक लास्ट में आप देखते होंगे मिसलेनियस विविध वाला पार्ट जिसको बोलते हैं, है ना, मिसलेनियस, इसके साथ में जो करंट अफेयर यानी इन बैकग्राउंड वाले टॉपिकों से जो करंट अफेयर बन रही है या जो करंट अफेयर बन रही है उनका बैकग्राउंड क्या है, हम इसको इंटरलिंक कर रहे हैं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दी फॉर्मेट ऑफ दी क्वेश्चंस जिस हिसाब से एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। अब तक गाइस जितने लास्ट ईयर या जो अभी एसएससी के जो एग्ज़ाम हुए एसएससी के संदर्भ में जितने बच्चों को क्वेश्चन करवाए हमने बताए, मैक्सिमम क्वेश्चन उनको एग्ज़ाम में देखने को मिले, तो कहीं ना कहीं फॉर्मेट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी सही अप्रोच से चल रहे हैं। तो मैं उम्मीद करूँगा आप लोग भी इसका बेनिफिट ले सकें। साथ में मोहित सर हैं जो रीजनिंग सब्जेक्ट पढ़ाते हैं गाइज, और अभिषेक सरोहा सर हैं ये भी जीएस सेगमेंट इसमें पढ़ाते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे गाइज एक ही सब्जेक्ट के कई सारे फैकल्टी अवेलेबल हैं, यानी इंडिया के टॉप एजुकेटर अवेलेबल हैं और आप अपने फेवरेट एजुकेटर से पढ़ सकते हैं इसमें, है ना, एक ही सब्जेक्ट के कई सारे कोर्सेज। और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन गाइज मेरे बारे में, माय नेम इज़ नवीन कुमार शर्मा और मैंने मास्टर डिग्री की है इग्नू से, और मैंने बीकॉम किया हुआ है गाइस दिल्ली यूनिवर्सिटी से, एंड आई हैव मोर देन 6 ईयर एक्सपीरियंस इन कम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें मैं जीएस, करंट अफेयर, हिंदी सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स और रीजनिंग ये सारे सब्जेक्ट मैं बहुत अच्छे तरीके से कवर करवाता हूँ, है ना। अभी देखिए एसएससी के जो एग्ज़ाम हुए हैं लास्ट टाइम, वो पुलिस के जो एग्ज़ाम हुए, रेलवे के एग्ज़ाम हुए, मैक्सिमम क्वेश्चन तो मिले ही एग्ज़ाम में, मैक्सिमम रिजल्ट भी पॉजिटिव रहा है, यानी बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, है ना। तो आप लोग भी फॉलो करें, आप लोगों का भी सिलेक्शन बनेगा गाइस। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा गाइस मॉडर्न हिस्ट्री के एमसीक्यूज के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं, जितने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बन सकते हैं, है ना। इससे पहले वाला जो सेशन मैंने लिया था आपने देखा होगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के ऊपर हमने बात करी है। उससे पहले गाइस आपको थोड़ा सा बता दें कुछ कि अनअकैडमी की वेबसाइट पर आप लोग विजिट कर सकते हैं, क्रैक एसएससी एग्जाम्स विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। बिल्कुल गाइस, जैसे कि मैंने बताया टॉप एजुकेटर अवेलेबल हैं, तो इंडिया की सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है ये। तो और आप क्या कर सकते हैं, साथ में अनअकैडमी की लर्निंग ऐप अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। लर्निंग ऐप इंस्टॉल करेंगे, अपना गोल सेलेक्ट कर लीजिएगा एसएससी एग्ज़ाम, तो जो भी अपकमिंग कोर्सेज हैं उसकी जानकारी आपको मिलती रहेगी, है ना। और जितने भी टेस्ट सीरीज़ हैं चाहे मंथली हो वीकली हो वो सारी नॉलेज आपको मिलती रहेगी, आप साथ साथ उसको भी ज्वाइन करके रखेंगे। और टॉपिक वाइज सेशन तो आपके रहेंगे ही गाइस, चाहे मैथमेटिक्स हो, जीएस हो, इंग्लिश हो और जीएस के जितने भी सेगमेंट हैं जो मैंने अभी चर्चा करी। और द बेस्ट पार्ट ऑफ एन अकेडमी गाइज की एजुकेटर, इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर इस प्लेटफॉर्म पे हैं, तो अब आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। बहुत बार मेरे को बच्चे बोलते हैं सर कोचिंग इंस्टीट्यूट मेरे घर से बहुत दूर है, बहुत कॉस्टली है, मैं कैसे करूँ, अफोर्ड नहीं कर पा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं आप अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे ये वाला प्रॉब्लम तो आपको नहीं रहेगा, यानी आप बहुत कम फीस में अपने घर बैठे तैयारी कर सकते हैं और अपने फेवरेट एजुकेटर को सेलेक्ट कर सकते हैं, है ना। और देखिए अब एसएससी एग्ज़ाम सब्सक्रिप्शन जब आप इसको अपना लर्निंग ऐप पे जब आप लोग इंस्टॉल करते हैं तो आप यहाँ पे अपना एसएससी एग्ज़ाम सब्सक्रिप्शन देख पा रहे होंगे। मंथली गाइस 1200 रुपीज़ रहता है, आप मेरा ये कोड यूज़ कर लीजिएगा, ये कोड यूज़ करना नहीं भूलिएगा लाइव NK, तो 10% आपको डिस्काउंट इसमें मिल जाएगा, तो यानी अब आपको देने होंगे 1080 रुपीज़। इसी तरीके से 3 मंथ का रहेगा गाइस 3000 रुपीज़, 10% डिस्काउंट के बाद 2700 रुपीज़ आपको ये देना रहेगा। 6 मंथ का अगर आप लेते हैं तो 4800 रुपीज़ है, आफ्टर डिस्काउंट 4320 रुपीज़, है ना। इसी तरीके से 12 मंथ, 24 मंथ, 12 मंथ का अगर आप ले रहे हैं 6000 तो आपको पड़ जाएगा 5400 का, तो यानी कहीं ना कहीं बहुत ही रीजनेबल प्राइस हैं। आप आराम से घर बैठ के अपना कोर्स सेलेक्ट करें और तैयारी करें और बिल्कुल
ठान लें कि लेट्स क्रैक इट, इसको आप क्रैक करके निकाल ही देना है ना। एक बात आपने सुनी होगी कि गाइस कि मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है, तो आपको ठानना तो सबसे पहले पड़ेगा। ये एग्ज़ाम एक तपस्या की तरह है गाइस, मैराथन दौड़ है, आप धीरे धीरे दौड़ते जाइएगा, आराम से पार हो जाएगा। अब आप इसको, मेरा कोड है कैसे यूज़ करेंगे थोड़ा सा इसको बता देते हैं, फिर उसके बाद सेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब SSC एग्ज़ाम सब्सक्रिप्शन में जैसे मान लीजिए आपने 12 मंथ का लिया है, तो आप मेरा ये कोड यूज़ करेंगे लाइव एन के, इसको अप्लाई कर देंगे, तो जो 6000 का पैकेज आप देख पा रहे हैं अभी आपको 5400 का पड़ जाएगा, तो आप इसको प्रोसीड पेमेंट करके इसको ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं गाइस। तो मॉडर्न हिस्ट्री के MCQs के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं, जितने इंपॉर्टेंट इसमें MCQs बन सकते हैं उसी के ऊपर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है कि गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई, और ये किस वर्ष की गई आपसे ये पूछा जा रहा है। खालसा पंथ की स्थापना की जा रही है गाइज, ये 1699 में करी थी इन्होंने, ठीक है। 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की गई, और आपको बता दें कि इसमें, इस खालसा पंथ में जो जो लोग ट्रेनिंग लेते थे, बेसिकली जो ट्रेंड किए जाते थे, वही सारे लोग खालसा कहला रहे थे, है ना, तो आप ये ध्यान रखेंगे। और जब ये खालसा पंथ की स्थापना हो गई तो गुरु गोविंद जी, अब इसके बाद जो गुरु पद था वो अब समाप्त कर दिया गया, यानी अब गुरु पद नाम से अब कोई नहीं रहेगा, अब इनका गुरु कौन रहेगा, गुरु ग्रंथ साहिब। इसी के बाद इन्होंने गुरु को घोषित कर दिया कि गुरु ग्रंथ साहिब, जो इनकी धार्मिक पुस्तक है सिखों की, आप जानते होंगे, तो गुरु ग्रंथ साहिब अब इसके बाद ये गुरु घोषित कर दिए गए हैं, यानी अब इन्हीं को पूजा जाता है। आप लोग गुरुद्वारे वगैरह जाते होंगे तो एक धार्मिक पुस्तक आप देखते होंगे, वही गुरु हैं इनके बेसिकली, ठीक है। तो खालसा पंथ की स्थापना किसने करी, गुरु गोविंद ने, कब करी, 1699 में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अकाल तख्त का निर्माण किया था, किसने किया था गाइस, अकाल तख्त का निर्माण किया गया था गुरु हर गोविंद के द्वारा, गुरु हर गोविंद, है ना गाइस। इसके मैं टॉपिक का अभी लेक्चर मैंने गाइस अभी मैंने नहीं लिया है, तो जिसमें हम पंजाब के ऊपर बात करेंगे, है ना, तो अभी आप एक बार क्वेश्चन देखे ना किस किस तरीके के क्वेश्चन हैं, जब मैं टॉपिक कंप्लीट करूंगा तो ये तो सारे कवर हो ही रहे होंगे आपके, और उसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी होंगी जो अभी तक नहीं पूछा गया SSC के द्वारा, वो पूछने जाने की संभावना है, है ना। हर बार कुछ ना कुछ नया क्वेश्चन देखने को बनता है, और आप फिर भी इसको ध्यान रखें, अकाल तख्त निर्माण किया गया किसके द्वारा, हर गोविंद के द्वारा। आप फॉर योर इन्फॉर्मेशन कि ये सिखों के छठे गुरु थे गाइस, 6 नंबर के गुरु थे ये, है ना, और सिखों को बेसिकली एक लड़ाकू जाति में इन्होंने परिवर्तित कर दिया, तो यही था अकाल तख्त बेसिकली, आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, गुरु नानक का जन्म स्थान कहाँ है, गुरु नानक, है ना, गुरु नानक का जन्म स्थान कहाँ है गाइज, ये तलवंडी में है, गुरु नानक का जन्म स्थान तलवंडी, बेसिकली आज की डेट में ये क्षेत्र पाकिस्तान में है, आज की डेट में गाइज ये पाकिस्तान में है। और इनके पिता का नाम जरूर नोट करेंगे, गुरु नानक जी के फादर का नाम है कालू मेहता, तो जो जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ उसको अलग से नोट करते चलिएगा। कालू मेहता इनके पिता का नाम है, इनकी माता का नाम, ये इनके पिताजी हैं, पिता का नाम, जो इनकी माता का नाम है वो भी नोट कर लीजिएगा, तृप्ता देवी, तृप्ता देवी। तो आपने इसमें क्या सीखा, देखिए तलवंडी बेसिकली ननकाना एक जगह है जहाँ पे इनका जन्म हुआ है, ननकाना, और 1469 में इनका जन्म हुआ था, है ना, इसके ठीक 400 साल बाद यानी 1869 में गांधी जी का बर्थडे हो रहा है 2 अक्टूबर, तो 1469 में तलवंडी ननकाना जो कि पाकिस्तान में, गुरु नानक जी का जन्म हो रहा है। इनके फादर का नाम कालू मेहता, माता जी का नाम तृप्ता देवी, तो ये पॉइंट आप इसमें ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, गुरु नानक देव सिख धर्म के प्रवर्तक का जन्म कहाँ हुआ है, देखिए सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, चलिए कोई बात नहीं, तलवंडी तो आप लगा ही लेंगे इसमें, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन था, जब गुरु नानक जी की मृत्यु हो गई तो उनके बाद अब इनके उत्तराधिकारी कौन रहे, यानी अगले गुरु कौन बने, ये कहने का मतलब ये है, तो ये गुरु अंगद अगले गुरु बने। अब गाइस देखिए ये प्रश्न कहाँ से जनरेट हुआ है, आपको पता है सिखों के टोटल गुरु रहे 10, है ना, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और दसवां, इन टोटल 10 गुरु रहे। तो अब जैसे गुरु नानक हैं, उनके बाद अगला कौन रहा, उनके बाद अगला कौन रहा, ये सारे प्रश्न कहीं ना कहीं किसी भी रूप में पूछने को बनते हैं। तो जैसे अब आपके सामने एक आया है कि गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन था, तो इनके बाद अगले बने थे गुरु अंगद, ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे। बाकी जब मैं टॉपिक लूँगा तो वहाँ पर सारी चीज़ें कवर हो ही जाएंगी, अभी फ़िलहाल आज का जो हमारा टॉपिक है वो है MCQs, तो ध्यान से देखते चलिएगा, सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। देखिए थोड़ा आपको
मैं ये नहीं कहूँगा सीरियस होना है, थोड़ा सिंसियर होना पड़ेगा क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में आप ही लोग बैठेंगे, अपना एग्ज़ाम आप ही लोगों को फेस करना है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न का है इसमें, और कई बार ये देखने को बना है एसएससी के कई एग्ज़ाम में, रेलवे में, यूपी पुलिस कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर, कई बार देखने को आता है ये प्रश्न। तो किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा है, तो गाइस गुरु अर्जुन देव ने कहा था अपने आप को कि वो सच्चा बादशाह हैं, है ना, सच्चा बादशाह। और ये गुरु ग्रंथ साहिब, ये जो गुरु ग्रंथ साहिब जो आदि ग्रंथ जो है उनकी रचना भी इन्होंने ही करी थी 1604 में, है ना। गुरु ग्रंथ की रचना इन्होंने ही करी है, ध्यान रखिएगा, गुरु अर्जुन देव, है ना। कौन से नंबर के गुरु थे, पाँचवें नंबर के। अब आप कैसे याद रख पाएंगे, आपको पता है पाँच पांडव थे, पाँच पांडवों में एक अर्जुन भी थे, तो पांच पांडव ऐसे कनेक्ट कर लेना, तो गुरु अर्जुन, अर्जुन यानी पांडव, तो पांच पांडव गुरु अर्जुन देव, तो ऐसे ध्यान रखेंगे पांचवें नंबर के थे ये थे, ठीक है। अब गुरु अर्जुन देव जो है ये खुसरो, जो अमीर बेसिकली खुसरो को समर्थन देने के कारण जहांगीर ने इनको मृत्युदंड दे दिया था। तो आपसे एक प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड किसने दिया, कौन से मुगल शासक ने दिया, तो आप लोग ध्यान रखेंगे जहांगीर ने, है ना, ये प्रश्न यहाँ से बन सकता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सिखों का अंतिम गुरु निम्न में से कौन था। गाइस कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, गुरु गोविंद जी ही थे, और सिखों के दसवें गुरु, है ना, सिखों के दसवें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी थे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी, इनकी राजनीतिक राजधानी लाहौर थी, एक तो पॉइंट आप ये ध्यान रखें। फिर पूछा जा रहा है किस नगर को उसकी धार्मिक राजधानी कहा जाता था। धार्मिक राजधानी गाइस अमृतसर को कहा जाता था, अमृतसर में ही इनका गोल्डन टेम्पल है, आपने देखा होगा, जो सिख समुदाय हैं वाहेगुरु का जो स्वर्ण मंदिर जिसको बोला जा रहा है ये अमृतसर में, तो धार्मिक राजधानी तो अमृतसर है, लेकिन राजनीतिक राजधानी की बात की जाए तो लाहौर। यहाँ पे एक पॉइंट आप ये ध्यान रखेंगे कि जो राजा महाराजा रणजीत सिंह है, अभी करंट में भी इनका मामला चल रहा है, चर्चा में आया हुआ है, क्योंकि इनको सबसे महान नेता घोषित किया गया है महाराजा रणजीत सिंह, है ना। महाराजा रणजीत सिंह में एक पॉइंट आप ध्यान रखेंगे गाइस, जो पंजाब एरिया है ये, जैसे मान लीजिए पूरा एरिया पंजाब है ना, तो ये कई सारे मिसल में बटा हुआ था, कई सारे मिसल, मैंने क्या बोला, मिसल मतलब ग्रुप कह सकते हैं आप, मिसल में बटा था, तो ऐसी कोई एक मिसल था जिनका संबंध महाराजा रणजीत सिंह से था, तो उस मिसल का नाम था गाइस सुकर चकिया, सुकर, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, सुकर चकिया। अभी पूछा तो नहीं गया, पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि महाराजा रणजीत सिंह का संबंध किस मिसल से था, तो सुकर चकिया आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, रणजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी थी, बोला था राजा रणजीत सिंह, महाराजा रणजीत सिंह, तो इनको राजा की उपाधि किसने दी है, इनको राजा की उपाधि दी थी जमान शाह ने, ध्यान रखिएगा, जमान शाह इनको महाराजा की उपाधि दे रहे हैं। बेसिकली होता क्या है कि जमान शाह और इनके बीच युद्ध हो रहा होता है, तो जमान शाह अपना भैया जहाज वहाज वगैरह सब लेके जा रहे होते हैं, तोप वगैरह, तो इनकी तोप वगैरह ना सब पानी में गिर जाती हैं, तो अब इनको लगा अब तो मैं हार जाऊंगा भाई, तो ये युद्ध छोड़ के भाग जाते हैं, तो रणजीत सिंह क्या करते हैं कि सारी तोप वगैरह निकलवा के इनको वापस भिजवा देते हैं, तो जाहिर सी बात है इनका मूड तो सही हो जाएगा, यार बहुत सही बंदा है, तो जवान शाह इनको खुश होकर राजा की उपाधि दे रहे हैं, आप ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, किस गवर्नर जनरल ने रोपण में, रोपण पंजाब में पड़ता है, रणजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था। कौन से गवर्नर जनरल रहे गाइस, ये विलियम बेंटिक थे जो इनका स्वागत बहुत जोर शोर से किया यहाँ पे, तो गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक रहे जिन्होंने रोपण यानी पंजाब में जगह है रणजीत सिंह का इन्होंने स्वागत किया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था। नादिर शाह को बुलवाया गया था, भैया आइए आक्रमण करिए, और वही धोखा इनके साथ भी हो गया, चलिए वो तो समझेंगे हम टॉपिक के अंदर। तो नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का जो शासक है वो है मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह इस समय शासक है, आप ध्यान रखेंगे। इस समय 1739 में गाइस ये आक्रमण किया गया, 1739 में, ठीक है, 1739 में नादिर शाह का आक्रमण हुआ है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट से ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस लड़ाई में नादिर शाह ने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह को पराजित किया,
देखिए ऊपर वाला ही प्रश्न है। अभी जैसे मैंने आपसे एक प्रश्न यहाँ पे जनरेट किया, यहाँ पे जैसे पूछा गया कि नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था, तो मोहम्मद शाह था, ठीक है। अब मोहम्मद शाह के साथ जो ये पराजित कर रहा है, वो नादिर शाह ने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह को पराजित किया था किस लड़ाई में, तो अब ये युद्ध पूछा जा सकता है। जैसे कि आपके सामने मैं सिक्वेंसली लाया ही हूँ, करनाल का युद्ध होता है गाइस, जिसमें करनाल का युद्ध होता है जिसमें ये मोहम्मद शाह को पराजित कर देता है। नादिर शाह का युद्ध ध्यान रखेंगे 1739, है ना। जब मैं इसका टॉपिक कराऊंगा तो वहाँ कंसेप्ट को समझेंगे, यहाँ एमसीक्यू, तो वही चीज़ें हम फॉलो कर रहे हैं गाइस, आप भी यही फॉलो करेंगे। एक तो क्लास रेगुलर रहे हैं आप लोग, तो जितने टॉपिक करा रहा हूँ उसको फॉलो करते चलें, उसके साथ में जितने एमसीक्यूज़ बन सकते हैं उसको फॉलो करते चलें, है ना। तो बहुत बढ़िया तैयारी हो जाएगी, ज़्यादा इधर उधर दाएँ बाएँ करने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो फिर हम परेशान ही रहते हैं, ये पढ़ लें वो पढ़ लें, क्या पढ़ें कितना पढ़ें कितना छोड़ें, बहुत सारी दिक्कतों से हमें जूझना पड़ता है। तो आप सब लोग उनसे दूर रहें, अपना पढ़ाई पर फोकस रखें, और फर्स्ट अटैम्प्ट में नंबर बनता है गाइज, बहुत बच्चों का नंबर बना है, है ना। और मैं आपको भी ये कहूँगा कि आप लोग भी फोकस के साथ, फेथ के साथ चलते चलें, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक, अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था, तो गाइज आपको बता दें ये शहादत खां था वहाँ का संस्थापक, स्वायत्त राज्य का शहादत खां, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में, गाइज बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसका मैं आपको करवा चुका हूँ, आप प्रीवियस लेक्चर जरूर देख लीजिएगा, और अगर जब सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो मेरा कोड यूज़ करना नहीं भूलिएगा, तभी 10% डिस्काउंट मिलेगा गाइज आपको, ठीक है ना। तो दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन था, बेसिकली आपको ये बताना है, मैंने आपको लिखवाया हुआ है वॉरन हेस्टिंग्स उस समय गवर्नर जनरल है दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में ही हैदर अली की मृत्यु हो जा रही थी, भी मैंने आपको बताया हुआ था, आप देख लीजिएगा एक बार। अगला देखते हैं, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था, तो गाइज इसमें तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए, बताइए जरा, है ना, मैसूर का शासक था। जिन्होंने आंसर करा है सही, ठीक है, जो सही सोच रहे हैं, जो सी सोच रहे हैं बिल्कुल सही है, मैसूर इज़ राइट आंसर। ये इनका यहाँ के ये शासक थे, टीपू सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि स्वतंत्रता का पहला वृक्ष, स्वतंत्रता का पहला वृक्ष मतलब पहला पेड़ किसने लगाया, टीपू सुल्तान ने लगाया। अब वृक्ष मतलब कि वहाँ पे कोई पेड़ नहीं है कि आप जाके पेड़ ढूंढने लगो, कहाँ है भैया स्वतंत्रता का वृक्ष। कहने का मतलब ये है कि वो जज्बा, राष्ट्रवाद की जो भावना, यानी स्वतंत्र रहना है हमें, आज़ाद रहना है, वो सारी जो जड़ें हैं वो टीपू सुल्तान दे चुके थे। उसके बाद आपने 1857 का विद्रोह आपने सुना होगा मंगल पांडे, वहाँ से भी शुरुआत हो गई, है ना। तो अगर पहले वृक्ष की बात कर रहा है तो टीपू सुल्तान आप लोग लगाइएगा, ये आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, मुर्शिद कुली खां, अली वर्दी खां और सिराजुद्दौला, ये सब कहाँ के नवाब थे, ये आपको बताना है गाइज। मैंने आपको बताया हुआ है जब बंगाल पे शासन कर रहे हैं कौन, अंग्रेज लोग, ब्रिटिशर्स, तो इन सबसे उनका सामना होता है, है ना। मुर्शिद कुली खां, अली वर्दी खां, सिराजुद्दौला, ये सारे बंगाल के नवाब थे गाइज, है ना। तो इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए, आप ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। नेक्स्ट देखते हैं, तथा कथित काल कोठरी दुर्घटना किस बात का उल्लेख करती है गाइज। मैंने आपको बताया हुआ था कि एक हॉलवेल नाम का ब्रिटिश अधिकारी होता है, हॉलवेल। अब प्लासी का युद्ध होना था, वो कैसे हुआ, क्योंकि उसके पीछे हॉलवेल साहब ने क्या बोल दिया कि सिराजुद्दौला साहब ने हमारे अंग्रेज अधिकारियों को छोटे कमरे में बंद करके कैद कर दिया है जी, और मैक्सिमम लोग मारे गए उसमें। ये मैं आपको करा चुका हूँ, जिसको ब्लैक होल की घटना के नाम से जाना जा रहा है। तो गाइज आपका आंसर हो जाएगा बी, है ना। आपको बता दें ब्लैक होल की जो घटना है ये आपकी हुई थी 20 जून 1756। इन्होंने ऐसा बताया, मनगढ़ंत कहानी, अब हकीकत क्या है तो कोई नहीं जानता है, लेकिन जो इतिहासकार जो बताते हैं वो यही बताते हैं कि 123 लोगों को जिंदा, 123 लोगों को एक छोटे कमरे में बंद कर दिया गया, और जिसमें से 23 लोग ही जिंदा बचे, है ना। तो आप ये ध्यान रखेंगे, 23 लोग ही जिंदा बचे थे इसमें। तो 20 जून 1756 में ये वारदात हुई थी, जिसको काल कोठरी ब्लैक होल की घटना इसको बोला जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए अगला प्रश्न फिर वही आ गया कि ब्लैक होल त्रासदी कहाँ घटित हुई थी। तो गाइज इसमें कोई दोहराई नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी सिराजुद्दौला, नादिर, सिराजुद्दौला हो गया आपका, अली वर्दी खां, मुर्शिद कुली खां, ये हमने देखा अभी बंगाल के थे, है ना। तो बंगाल यानी कलकत्ता,
तो यहाँ पे एक दुर्घटना हुई है, डेट मैंने आपको बताई दी है 20 जून 1756। नेक्स्ट देखते हैं, अब प्लासी गए दो गए गाइज, आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल सिक्वेंसली मैं सारे क्वेश्चन मैं आपके लिए आपके सामने लेकर आया हूँ, सारे कहीं ना कहीं एग्जाम में एसएससी के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, कुछ ऐसे प्रश्न भी हैं जो नहीं पूछे गए हैं, तो आई लेट यू नो अकॉर्डिंगली। बाकी जो पूछे जाने की संभावना है वो आप टॉपिक में कवर करिएगा, है ना, जो मैं टॉपिक करवा रहा हूँ उसमें आप लोग देख पाएंगे गाइस। तो अब जैसे अब अगला प्रश्न है कि 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वासघात किया। तो गाइस जो लोग धोखा दे देते हैं, है ना, आपको याद रखने के लिए बता रहा हूँ कि जो लोग धोखा देते हैं, आपका मन करता होगा ना कि उनको झापड़ मारा जाए, झापड़ यानी जाफर, तो मीर जाफर वो व्यक्ति था जिसने सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात कर दिया था प्लासी के युद्ध में, है ना। प्लासी का युद्ध आप लोग जानते हैं 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हो रहा है सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में, तो धोखा हो गया तो हार ही जाएगा सिराजुद्दौला, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था। जब प्लासी का युद्ध हो रहा है उस समय बंगाल का नवाब पूछा जा रहा है, तो डाउट होना नहीं चाहिए इसमें, सिराजुद्दौला ही है, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, प्लासी की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई। तो मीर जाफर मीर कासिम ये तो भैया हो नहीं सकते, अभी आपने खुद ही देखा है सिराजुद्दौला के बीच में लड़ी गई थी, दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं ये तो है ही नहीं, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला, तो आपका आंसर हो जाएगा सी, अंग्रेजों की तरफ से थे रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला, तो प्लासी की लड़ाई इनके बीच लड़ी गई 23 जून 1757, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ब्रिटिश ने पंजाब को निम्नलिखित में से किस सन में अपने राज्य में मिलाया। गाइस जब तक महाराजा रणजीत सिंह वहाँ पे थे सुगर चकिया मिसल के, तब तक तो अंग्रेजों की हिम्मत नहीं हुई कि वहाँ जाके वो आँख भी उठा सकें, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद ये वहाँ गए, मूव किया इन्होंने वहाँ पे और उसको युद्ध के माध्यम से मिला लिया, है ना। तो आपके सामने प्रश्न ये कि कब, 1849, मतलब 50 भी नहीं होने थी, ऐसे याद रखना, बताओ 50 भी नहीं होती यार, हाफ सेंचुरी हो जाती कुछ ऐसे याद रख सकते हैं आप लोग। तो 1849 में अंग्रेजों ने पंजाब राज्य को अपने उसके अंदर मिला लिया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, आप जो मैंने बताया था लॉर्ड डलहौजी जो हड़प की हड़प नीति लेके आ रहा है, बेसिकली इसने ही यहाँ पे इसको युद्ध के माध्यम से इसको जीत लिया था गाइस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, पुर्तगाली संस्कृति के अवशेष भारत में कहाँ पाए जाते हैं। पुर्तगाली संस्कृति के अवशेष भारत में कहाँ पाए जाते हैं, तो गाइस इसमें कोई डाउट तो होना नहीं चाहिए, ये तो आपका गोवा ही आंसर होगा, है ना, क्योंकि 1498 में वास्को डिगामा आ रहा है, और कब जा रहे हैं 1961 में, बताओ इतने साल सबसे पहले आए और सबसे बाद में गए, तो कहीं ना कहीं इनका जो कल्चर है वो वहाँ पे मौजूद है आज भी, तो पुर्तगाली जो कल्चर है पुर्तगीज कल्चर है वो सारे उसके जो अवशेष हैं वो भारत में गोवा में पाए जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूरी तरह से परास्त कर दिया था। किस युद्ध में पूरी तरह से परास्त कर दिया था, तो गाइज आपको बता दें मैंने आपको बताया हुआ है वॉन्डी वॉश का युद्ध हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट, 1760 में, ये तो मैंने आपको पहले लेक्चर में ही बताया था कि 1760 में वॉन्डी वॉश का युद्ध हो रहा है अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में, क्योंकि इसी के बाद डिसाइड हो जाता है कि भैया भारत पे शासन करेगा कौन, है ना, इसके बाद ये डिसाइड हो गया, तो वॉन्डी वॉश का युद्ध है, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस युद्ध से भारत में फ्रांसीसियों के भाग्य का निर्णय हुआ था। देखिए अब आप लोग पिक कर सकते हैं, भारत में फ्रांसीसियों के भाग्य के निर्णय हो गए भैया अब ये लोग यहाँ शासन नहीं करेंगे, कौन सा युद्ध था गाइस, ये वॉन्डी वॉश का युद्ध 1760 में, है ना, किन के बीच, अब आप जो लोग जान रहे हैं कि अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था, ठीक है। तो गाइस ये था आपका आज का सेशन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और जो चैनल है लेट्स क्रैक एसएससी एंड रेलवे एग्जाम इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, है ना, और साथ में बेल आइकन भी ओके कर लेना भैया, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले आ जाए। मैक्सिमम बच्चे पूछते हैं कि सर हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं आता है, हम फिर जब हम चैनल पे जाते हैं तब देखते हैं सर आपका लेक्चर आया हुआ है, तो आप सब्सक्राइब तो कर रहे हैं ठीक है, उसके साथ में बेल आइकन भी ओके कर लेना, और जो भी डाउट वगैरह हो, जो डाउट सेशन आपका रहेगा आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, आई रिप्लाई यू अकॉर्डिंगली, है ना। सब्सक्रिप्शन लेते समय गाइज लाइव NK कोड यूज़ करना नहीं बोलेंगे, फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, इसमें आपको सीधा 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा गाइज, ठीक है। और टेलीग्राम का चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसमें फिर जितनी लेटेस्ट अपडेट हैं, अपकमिंग वीडियोज़ हैं, उन सब की जानकारी आप लोगों को इसमें मिलती रहेगी, ठीक है। तो गाइज़ ये था आपका आज का सेशन, हम नेक्स्ट सेशन में जल्दी मुलाकात करेंगे, उसमें कोशिश करेंगे कि टॉपिक को लिया जाए जिसमें हम प्रयास करेंगे कि पंजाब वाला जो एरिया है, पंजाब
जब ब्रिटिश साम्राज्यवादी विस्तार हो रहा है उसको समझेंगे बहुत अच्छे से, है ना। आप पूरा सब्सक्रिप्शन लेके हर सब्जेक्ट का आप सेलेक्ट करके उसको अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए गाइज, आज के लिए इसमें इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं जल्दी, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, जय हिंद।